बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद के शहजादे हेलीकॉप्टर को होटल बनाकर कहते हैं कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, लेकिन हमने तो बिना प्रचारित किए ट्रैक्टर को हेलीकॉप्टर बनाकर 551 दौरे किए। हमारी पार्टी और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के पांव जमीन पर हैं, इसलिए वे हवा हवाई वाली लफाजियां नहीं करते। विजय सिन्हा ने कहा कि इस चुनाव के नतीजे से स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ण व्यवस्था की आपस में बांटने वाली जाति बंधनों को तोड़ अब विकास व्यवस्था की आपस में जोड़ने वाली जाति बनकर विकसित भारत के संग विकसित बिहार की गाथा लिखेंगे। 4 जून को परिवारवाद के पोषक इन राजनीतिक सरगनाओं की जमानत जब्त होगी और देश के साथ बिहार में भी मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का परचम फिर से लहराएगा। आज लोकतंत्र के सबसे महापर्व लोकसभा के चुनाव के प्रचार का अंतिम समय में हम लोग समापन करने जा रहे हैं। जो लोग सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए थे और हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर कह रहे थे, वो व्यक्ति हेलीकॉप्टर को होटल बना दिए और पिकनिक मना रहे थे। आज हम लोग 551 जगह छोटा बड़ा मिला करके अपने ट्रैक्टर से, अपने गाड़ी से पूरे बिहार में दौरा किए हैं। और ये बता दें कि जमीन पर चलने वाला जमीन के लोगों से मिलता है, जमीन की भावना को समझता है, हवा में उड़ने वाला हवा में रह जाता है। बिहार की जनता उस लालटेन युग को समाप्त करेगा, ललटेनिया युग जो अराजकता का परिचायक है, जो कमीशन खोरी, दलाली, ठेकेदारी, रंगदारी, व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी का पोषक की मानसिकता से बिहार मुक्त होगा। अब हम बिहारी सब पर भारी, ये भाव लोगों के मन के अंदर जगेगा। और मैं इस तमाम बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि अब बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाना है, सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को हर घर तक पहुंचाना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री अपार बहुमत से बनाना और 2025 में फिर से भाजपा NDA गठबंधन की सरकार बिहार में भी बनाने का संकल्प पूरा करना है। वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अपने माँ पिताजी के शासनकाल में हुए नरसंहार का जवाब दें। आज भी नरसंहार में मारे गए परिवार के लोगों की चीत्कार की आवाज कानों में सुनाई देती है। तेजस्वी यादव, बिहार की जनता जवाब मांग रही है, इसका जवाब दें। अंतिम चरण के चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। NDA गठबंधन के नेतागण दें जवाब। 118 नरसंहार बिहार में, उसमें जिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होना है वहां 88 नरसंहार हुआ। बिहार मांगे जवाब। तेजस्वी यादव, माँ पिता का दो हिसाब। राजनैतिक संहार करने के लिए जनता तैयार है। उन माँ बहनों के आंख के आंसू, जिनका आंख का आंसू के गुनाहगार आपके माँ पिता रहे हैं, जिन माँ बहनों की चीत्कार की आवाज आज भी कानों में लोगों का गूंजता है, तो गुनाहगार कौन था, इस पर मौन क्यों है? तेजस्वी यादव, अब अंतिम चरण का चुनाव है, अपनी जुबान खोलिए, गुनाहगार कौन। बता दें कि लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें चरण के मतदान होने हैं, जिसके लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खैर, सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा ये तो 4 जून को आने वाले नतीजों से ही साफ हो सकता है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।